एंड वेलकम टू ऑल टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स नवमर सेकेंड पोएट्री नाइन गोल्ड मेडल्स आम आज ये वीडियो रे डिस्कशन करिबा या पूर्व तुम फास्ट पोएट्री होम एंड लव आउ दुईटी प्रोज द प्राइस इज स्किप्ड द स्विमर हु डस्ट नॉट नीड हर लेग्स आउ गोटे नॉन टेस्ट स्टडी कम्प्लीट होगी आगे भी धीरे धीरे सब कम्प्लीट हो तेणु तुम सब विषय गोटे प्लेलीस्ट रखाई जार ना हूँ क्लास आई एक्स इंग्लीश भिडियोज डिस्क्रिप्शन रे तार लिंक दिया जो वीडियो भी तुम्हें देखिन तापर क्लिक कर सब वीडियो देखी नब इटा आम सेकेंड पोएट्री नाइन गोल्ड मेडल्स तेणु फास्ट आम लीडिंग देखा समस्ते जहाँ भी कम अच्छे कम्प्लीट करनीय आ वीडियो को लास्ट पर्यंत देख आज गोटे वीडियो रे आम चैप्टर कम्प्लीट करने सहित तुम टेक्स्ट बुक रे जो क्वेश्चन आंसर देखें डिस्कसन करवा तेणु गोटे वीडियो रे सब कम्प्लीट हो किसी भी डाउट रहा समस्ते लास्ट पर्यंत निश्चित देख जहाँ भी कम अच्छे कम्प्लीट कर आस कन्स्टाटली बस वीडियो 15 मिनिट हो कि 20 मिनिट हो जहाँ भी होते लंबा हो बसिक देख ठीक अच्छे तो आम वीडियो स्टार्ट करवा फास्ट लीडिंग देखा समस्त जब बही अच्छी पेज नंबर 73 बाहर कर ना डिस्प्ले पर देखा देख लीडिंग व्हाट काइंड्स ऑफ पीपल यूजुअली टेक पार्ट इन वेरियस स्पोर्ट्स इवेंट्स व्हाट काइंड्स ऑफ पीपल को प्रकार लोक मैंने यूजुअली टेक पार्ट मीन्स पार्टिसिपेट पी ए आर टी आई सी आई पी ए टी पार्टिसिपेट मैंने कौ भाई लोक मैंने साधारणतः यूजुअली जनरली टेक पार्ट और पार्टिसिपेट भाग निर्णय अंशग्रहण करती इन वेरियस स्पोर्ट्स इवेंट्स बहुत गुड स्पोर्ट्स इवेंट रे खेल स्ट्रॉन्ग और वीक स्ट्रॉन्ग ना वीक जनरली स्ट्रॉन्ग पीपल टेक पार्ट व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डिफरेंटली एबल्ड पीपल व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डिफरेंटली एबल्ड पीपल यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड इन ए चैप्टर इन द सेकेंड चैप्टर जानकी हु वाज स्ट्रक बाय पोलियो अटेम्प्टेड और ट्राइड टू स्विम द इंग्लिश चैनल एंड सी बिकेम सक्सेसफुल आम पढ़ी जानकी विषय जी कि फिजिकाली हैंडिकैप्ड थे पोलियो आक्रांत होते तथापि से इंग्लिश चैनल पहरबारे सक्षम होते तेणु एमती किसी ना जो मैंने स्ट्रंग विक् पर्सनस और डिजेबल्ड पर्सनस अल्सो पार्टिसिपेट कैन दे टेक पार्ट इन सच इवेंट्स व्वेन व्वेयर एंड हाउ येस दे कैन टेक पार्ट गोटे पाराप्लेजिक अलंपिक अच्छी आम पढ़ीचे व्हाट डू द आथलीट्स होप फॉर व्वेन दे टेक पार्ट इन द इवेंट्स सपोज यू आर एन आथलेट व्हाट विल बी योर होप टू गेन द प्राइजेस और टू विन द मेडल्स मेडल प्राइज जितने तुम स्वप्न व इच्छा थी निश्चित भाव आशा रही भाग नौ बहुत भल खेल आई विल गिव माई बेस्ट एंड विन द मेडल्स व्हाट सुड बी द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कौन खेलवाड़ मनोभाव कौन आम जानचे ओनली टू विन ए मेडल और समथिंग एल्स केवल प्राइज जितवा और आगे थपर पढ़वा लेट्स रीड द पोएम टू नो व्हाट द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ऑफ द आथलेट्स सुड बी गोटे आथलेट आथलेट मीन्स जी पार्टिसिपेशन करे बा पार्टिसिपेट करे तक आम कहे पार्टिसिपेंट बा कहे ओडिया खिलाड़ी बोली आथलेट तार कौन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रही थाए एंड व्हाट सुड बी द मोटो ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस ये जो अनुष्ठान ये सब संगठन मान मोटो बा एम बा पर्पोज कौन रही थाए फास्ट आम द टेक्स्ट मुझे पढ़ी दूचे तापर तुम्हें मन टे समय साइलेंट रीडिंग कर ठीक अच्छे पढ़ुचे शुण मन देखी कौटी केमती प्रोनाउंसिएशन करुच्ची ट्राए कर मन रखापी द आथलेट्स हाड कम फ्रम ऑल ओवर द कंट्री टू रन फॉर द गोल्ड फॉर द सिल्वर एंड ब्रोंज मेनी वीक्स एंड मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग ऑल कमिंग डाउन टू दिज गेम्स द स्पेक्टेक्टर्स gathered around the old field to cheer on all the young women and men the final event of the day was approaching excitement grew high to begin the blocks were all lined up for those who would use them the 100 yard dash and the race to be run these were nine resolved athletes in back of the starting line poised for the sound of the gun The signal was given, the pistol exploded, and so did the runners all charging ahead. But the smallest among them, he stumbled and staggered,
and fell to the asphalt instead. He gave out a cry in prostration and anguish. His dreams and his efforts all dashed in the dirt. But as sure as I am standing here telling this story, the same goes for what next occurred. The 8 other runners pulled off on their heels, the ones who had trained for so long to compete. One by one, they all turned around and went back to help him and brought the young boy to his feet. Then all the nine runners joined hands and continued. The 100-yard feat now reduced to a walk, and a banner above that said Special Olympics could not have been more on the mark. That's how the race ended with 9 gold medals. They came to the finish line holding hands still and standing ovation, and 9 beaming faces said more than these words ever will. Our poet is David Roth. About the poet, David Roth was born on 10 October 1954 in Bloomington, Indiana. David Roth janma hoitile, place hochi Bloomington, Indiana re. He is an American rock vocalist. Vocalist means singer, rock singer sitile. Song composer, song ko compose kortile, gita lekhutile, bata ko swara deutile, author jane lekhutile, actor and radio personality. Ebam radio re se kama kortile ebam actor thile. The present poem of the present poem is based on an inspiring event. It out inspiring gote prerana dayako ghatana of a race in which 9 differently abled athletes, jothre ki 9 jana different abled athletes participate korithile or took part in a special Olympic, gote special Olympic event re. In the race, when one runner fell to the ground, jetebele one runner, jane runner ba doudali fell to the ground, matre podigala, all others stopped. Others, what did they do? So, when they stopped and returned to help him stand on his feet, and returned ebong furiously to help him stand. Taku saajo kore jemti se nijo padore thia hai paribo, nije thia hai paribo. Ke who fell down, je padi gale, and they walked hand in hand to finish the race. Ebong seven hatho dhara dhari hei, walked hand in hand means combined or joined their hands to finish the race ba दौड़को शेष करबा पई. ऑल ऑफ देम वन एंड वी आर अवार्डेड गोल्ड मेडल्स फॉर देयर एम्पैथी फॉर ईच अदर. ऑल 9 एथलीट्स और मेंबर्स और पार्टिसिपेंट्स वन गोल्ड मेडल्स. समान समस्तनकु स्वर्ण मुद्रा पर स्वर्ण पदक मेडल दिया गला फॉर देयर एम्पैथी सिंपैथी सहानुभूति फॉर ईच अदर. समान परस्पर प्रति सहानुभूति पई तंकु समस्त को गोल्ड मेडल दिया गला. तनु इटा मैं जानी ले द पोएम इज हाईली एजुकेटिव इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ वैल्यू एजुकेशन इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. बुझला बुझला समस्ते कॉम्पिटिटिव ने प्रतियोगिता मूलक दुनिया रे किछि शिक्षा हम प्रदान करू छी. कविता टी द पोएट हाइलाइट्स ह्यूमैनिटी. ह्यूमैनिटी माने मनुष्यर मनुष्यत्व को हाइलाइट करू छी, डिस्क्राइब करू छी बारंबार कहूँ से विषय व्हिच इज हाई एबव द पर्सनल अचीवमेंट. जहाँ पर्सनल अचीवमेंट ठारू बा निजर सफलता ठारू बहुत बड़ मनुष्यत्व. इट कन्वेज ए ग्रेट मेसेज टू द ह्यूमैनिटी. मनुष्य समाज पे गोटे बहुत बड़ मेसेज बार्ता प्रदान करुच्छे कविता टी टू दैट द वर्ल्ड नाउ नीड्स नो मोर कंपिटिशन बट मोर लव अफेक्शन फॉर फेलो फिलिंग कोऑपरेशन एंड कोलाबोरेशन. तेणु केवल कंपिटेटिव माइंड आसिले हबो नाही बा प्रतियोगिता मनोभाव सहित भल पाइबा स्नेह परस्पर बुझी पाइबा शक्ति ई सब जिंस रहिबा दरकार मनुष भितरे. ठीक अछि आमे जानिले पोएट कोन हाउछि डेविड रॉथ. वर्तमान आमे स्टांजा वाइज लाइन बाय लाइन आमे पुछिबा. ठीक अछि मन दे समस्त सुनिबो जेमिति हेले भी लास्ट पर्यंत देखिबो काहेकि ना तुम पई स्पेशली बहुत हार्ड वर्क करिकि ई सब वीडियो प्रिपेयर कराऊ तेणु न देखिले तुम्हें आदो बेनिफिट पाइबो नाही. निजे देखिबा सहित निज फ्रेंड मानक सहित ग्रुप रे शेयर कर. पढ़िबा द एथलीट्स हैड कम फ्रॉम
all over the country. Athletes means a participant. Jone khelali. Had come from all over the country. All over means everywhere. Tale who had come from all over the country? The athletes. Athlete mane khelali mane desara chariyad vaschanti. Had come from all over the country or all over the world. Ame koi pariba pa bisworo chariyad vaschanti. Jeto gote bodo khelo hui Olympic khelo hui kiti kiti desaru khelali mane आस्तांती भाग नेबा पई ठीक ना नहीं टू रन व्हाई हार्ड दे कम से माने काहे के आसीथिले ना टू रन फॉर द गोल्ड फॉर द सिल्वर एंड ब्रोंज जनरली गोल्ड मेडल इज गिवन टू द फर्स्ट और टू द सेकंड सिल्वर मेडल इज गिवन एंड टू द थर्ड विनर ब्रोंज मेडल इज गिवन जनरली नॉर्मली सो द एथलीट्स had come from all over the country. So, what was the name of Babi Surat? Why did they come? Not to run for the gold, for the silver and bronze. Prize they was to take part karibe, participate karibe and win prizes. That was their motto. Siratankara Udeshya Thila Samastankar Thai. Many weeks and months of training all coming down to these games. They spent many weeks and took months of training maso maso training nei thile sapta sapta dhari rahi thile all coming down they all came down to participate in such games khela re bhag nai pai se mane asthile bujhela samastang kara athre kouchi the athletes had come from all over the country athlete mane bisoro chariyad basithile kai ka asthile banro kiwa to run for the gold for the silver and bronze jitia pai prize gold silver or bronze prize jitia pai many weeks and months of training so and bahut saptah saptah masa masa training nei thile all coming down to this game set pai tapare jete bale training nei saria pare se mane take part ba participate kariya pai asthile such games e bhali game re thik achi para 1 sorry stanza 1 complete amaro stanza 2 dekhiba the spectators gathered around the old field to cheer on all the young women and men the final event of the day was approaching excitement grew high to begin the spectators spectators means persons who are persons who are watching an event jo mane dekhu thanti ba darshak ame koi pariba gathered se mane ekati hoithile round the old field means oti khelo huchi padiya khelo padiya re se mane gathered hoithile ko mane who gathered the spectators darshak mane kai gathered hoithile gathered around लिखा है देखो टू चीयर ऑन ऑल द यंग वुमेन एंड मेन टू चीयर ऑन करेंगे टू प्रेज करेंगे से निजे एंजय कर सहित अने को प्रेरणा देते उत्साह करेंगे फो ऑन ऑल द यंग वुमेन एंड मेन समस्त युव खेला महिला मान द फाइनल इवेंट फाइनल चूड़ांत खेल द फाइनल इवेंट ऑफ द डे वाज अप्रोचिंग वाज कमिंग क्लोजर कमिंग नियरर और ड्रॉइंग नियरर निकटतर हो जाए फाइनाल इवेंटा एक्साइटमेंट ग्रीव हाई टू विगिन जो एक्साइटमेंट अच्छे उत्तेजना अच्छे से बहुत उच्च को उठी जाऊँगी निश्चित भाव में फाइनाल इवेंट आसिले जमीक फाइनाल मैच कथा आम कहीपर से आम एक्साइटमेंट बहुत टॉप लेवल पिक लेवल और हाई लेवल को पलाए ना नहीं आम हार्ट बीट भी एपरिक बढ़ी जाए ठीक अच्छे आम स्टैंडर्ड टू आउ थे कहीदे तुम्हें मन दे शून्य द स्पेक्टेटर्स दर्शक मैंने व्यूअर्स गैदर्ड अराउंड द ओल्ड फील्ड से मैंने गैदर्ड होते एकत्रित होते से पुराणा पड़िया चारिपार्श्व टू चीयर ऑन ऑल द यंग वुमेन एंड मेन समस्त खेला मानक उत्साहित करने निजे चीयर बा आनंद उपभोग करने द फाइनल इवेंट ऑफ द डे वाज अप्रोचिंग से दिन फाइनल इवेंट चूड़ांत खेल पाखे आसूला एक्साइटमेंट ग्रीव हाई टू बिगिन समस्त भितर एक्साइटमेंट उत्साह धीरे धीरे बढ़ुला ठीक अच्छे स्टांजा थ्री देख बढ़ू फर्स्ट द ब्लॉक्स वेयर ऑल लाइंड अप फॉर दोज हु वुड यूज देम द हंड्रेड यार्ड डैश एंड द रेस टू बी रन दिज वेयर नाइन रिजॉल्व एथलीट्स इन बैक ऑफ द स्टार्टिंग लाइन पॉइज्ड फॉर द साउंड ऑफ द गन द ब्लॉक्स ब्लॉक माने स्टार्टिंग पॉइंट रे जो कोन थुआई थाए किंबा किसी स्टिक भी आम कहीपर थी ब्लक आम कौचे जहाँकि मार्क करे और सुज
that this was or this is the line. ठीक अच्छे बाई ट्रैक तो द ब्लॉक्स आम कौन ही थी साधारण कि चिन्ह भी जाए ब्लॉक स्टार्टिंग पॉइंट रे तो ब्लॉक्स और लाइन ब्लॉक गुड़ाक लाइन बाय लाइन रखाई लाइन ऑफ फॉर दोज हुड यूज देम तो सो हुड यूज देम द पार्टिसिपेंट्स द एथलीट्स हुड यूज देम से भाग ना बेले हेल्प आसो द हंड्रेड यार डैश डैश मीन रन हंड्रेड यार डैश ट्रैक थी कहीपर दौड़ा ट्रैक एंड द रेस टू बी रन व्हाट टू बी रन द रेस दौड़ हबार थिला केते थिला लेंथटा ना हंड्रेड यार्ड शहे यार्ड दिज वेयर नाइन रिजल्व आथलेट्स रिजल्व मीन डिटरमिंड दृढ़ संकल्प थे समस्ते प्राय जितवा आम जी भल खेल से जितब निश्चित मुझे भल खेल मुझ प्राय जितबी ओके मोर बेस्ट देखेदेवि आज दिज वेयर नाइन रिजल्व आथलेट्स इन बैक अफ द स्टार्टिंग लाइन पोस्ट फर द साउंड अफ द कॉन तेल रिजल्व आथलेट्स कौन थे ना इन बैक अफ द स्टार्टिंग लाइन जो जो आरंभ हम ट्रैक टी जो पचर से देखी स्टार्ट लाइन रेड रे था आम पचर था बैक था पोस्ट फर द साउंड अफ द कॉन पोस्ट मान कौन आम कहीपर से रेडी थे पोस्ट फर द साउंड अफ द गन मान प्रस्तुत थे गन राउंड बाजे जमी से दौड़े बुझेगा टाइम थ्री माउथ कौन द ब्लॉक्स वेयर ऑल लाइन अफ फाट वेयर ऑल लाइन अफ द ब्लॉक्स ब्लॉक गुड़ाक लाइन बाय लाइन रखा था फॉर दोज हुड यूज देम जो मैंने यूज करेंगे द हंड्रेड यार्ड डैश एंड द रेस टू बी रन शहे यार्ड हंड्रेड यार्ड डैश थी ट्रैक थी रेस दौड़ हबार था से ट्रैक दौड़ प्रतियोगिता हम हंड्रेड मीटर हंड्रेड यार्ड ट्रैक दिज वेयर नाइन रिजल्व आथलीट्स केत जन थे नाइन रिजल्व डिटरमिंड दृढ़ संकल्प कर आथलीट थे पार्टिसिपेंट थे इन बैक ऑफ द स्टार्टिंग लाइन बैक रे पोस्ट और बिकेम रेडी प्रस्तुत थे फॉर द साउंड ऑफ द गन गन साउंड बाजिब गन साउंड धटिकिना हम से कौन करेंगे ना रन करेंगे एमती तुम टीवी देखी थो ओलंपिक गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स बुझे स्टांजा वन टू थ्री कंप्लीट स्टांजा फोर देखा आठटी स्टांजा अच्छे आम जाने भल भाव द सिग्नल वाज गिवन द पिस्टल एक्सप्लोडेड पिस्तल जान तुम्हें देखो ना गन टाइप सिग्नल वाज गिवन सिग्नल दिगला एंड पिस्तल एक्सप्लोडेड और पिस्तल फुटिला जहाँ आम कौ गुड़ी बर्षण है एक्सप्लोडेड एंड सो डिड द रनर्स एंड सो एंड क्विकली द रनर्स ऑल चार्जिंग अहेड मीन्स दे रन क्विकली से खूब शीघ्र दौड़े निज को चार्ज कला भाया जमी चार्ज हो गए कहे बेले मैंने रन क्विकली आज फार आज पसिबल जिते जोर दौड़ पार आज क्विक आज पसिबल बट द स्मलेस्ट एमंग देम क्योंकि सब स्मलेस्ट थे और आम कहीपर यंगेस्ट सब सान थे एमंग देम हि स्टम्बल्ड एंड स्टागर्ड स्टम्बल्ड मान आम कहीपर झुंटी पड़े स्टम्बल्ड हिट हिज फिट अगेन्स्ट समथिंग व्वेन हि बिगन टू रन एंड फेल जो झुंटी पड़े एंड स्टागर्ड स्टागर्ड मीन्स लॉस्ट बैलेंस तमें हूँ आम कहीपर भारसाम्य हर तेनाली झुंटी की तरह भारसाम हर पड़गले भारसाम हर पड़गले स्टागर्ड लिखिद वार्ड मिनिंग गुड़ा एंड फेल टू द आसफाल्ट इनस्टेड आसफाल्ट मान हूँ पिचु जो ट्रैक जो पिचु रास्ता थाए एंड फेल तापर पड़गले बुझे स्टांज फोर कंपिल कौन द सिग्नल वाज गिवेन सिग्नल दिगला हाउ क्वेश्चन आसे ना द पिस्तल एक्सप्लोडेड पिस्तल फुटिला गुड़ बर्षण ठपकी धटिकिना साउंड ला तो समस्त कौन कल दौड़े एंड सो डिड द रनर्स ऑल चार्जिंग अहेड समस्त आग को चार्ज हेले आग को रन दौड़े बट द स्मलेस्ट एमंग देम स्मलेस्ट थिला जो यंगेस्ट थिला सब सान थिला ही स्टंबल्ड एंड स्टागर्ड से झुंटी पड़ा और भारसाम्य हर एंड फेल टू द आसफाल्ट इनस्टेड और पिचु रास्ता उपर पड़गला दौड़ कौन पड़गला 74 पेज बा नेक्स्ट पेज ओल्टई दि स्टांजा फाइव बुझा पारा स्टांजा वन टू फोर कम्प्लीट हो तुम फाइव देखा हि गेव आउट ए क्राए इन फ्रस्ट्रेसन एंड एंग्विश हि मीनस द स्मलेस्ट आथलेट गेव आउट ए क्राए टे पार्टी कले चित्कार कले कांदी चित्कार करते इन फ्रस्ट्रेसन फ्रस्ट्रेसन मान हम निराशा भाव नैराश्य हताश हो एंड आंगुईस टेरिबल पेन
বা মেন্টাল টেরিবল পেন আমি কইপারে মানসিক যন্ত্রণা বা সাংঘাতিক যন্ত্রণার এবং নিরাশ হয়েকি হতাশ হয়ে কেতে সে প্রিপেয়ার হয়েকি আসবে হ্যাঁ না তখন যেতবে সে পড়িগলে বা ফেলোর হবে বলে ভাবি নেওছেন সেতবে ফ্রাস্ট্রেশন কেম টু হিজ মাইন্ড তাঁর মনরে কোণ আসলা ফ্রাস্ট্রেশন নিরাশ ভাব আসলা নৈরাশ্য ভাব অ্যান্ড আঙ্গুইস আসলা মেন্টাল পেন অর সাংঘাতিক যন্ত্রণা আসলা হি থট অর হি ফিয়র দ্যাট হি উইল লস দ গেম সে গেমটা হারিযিব বলে তাঁর ভাবনা তাঁর মুন্ড ভিতরে বারম্বার পশিলা হিজ ড্রিমস আন্ড হিজ এফর্টস তাঁর স্বপ্ন এবং এফর্ট প্রচেষ্টা অল ড্যাশড ইন দ্য ডট সবকিছু মাটিরে মিলিগলা ড্যাশড ইন দ ডট মানে সবকিছু ধরিগলা সবকিছু ধূলিসাত হয়েগলা সবকিছু মাটিরে মিশিগলা সবকিছু ড্যামেজ হয়েগলা বলে আমি ভাবিবা বুঝুছি বট আসিওর আজ আই আম স্ট্যান্ডিং হিওর টেলিং দিস স্টোরি দ সেম গোজ ফর হোয়াট নেক্সট অকার্ড বট আসিওর আজ যথাসম্ভব যেতবে আজ আই এম স্ট্যান্ডিং যেতবে ঠিয়া হয়েছি টেলিং দ স্টোরি এই স্টোরিটা কুচি দ সেম গোজ ফর হোয়াট নেক্সট অকার্ড সেইভাবে ঘটনা ঘটলা তা মনরে যেতবে সে যেতবে আজ দ পোয়েট ওয়াজ স্ট্যান্ডিং বিসাইড দ গেম সে খেলা পাখি যেতবে পোয়েট্রি পোয়েট সরি ঠিয়া হয়েছে তো সে সিচুয়েশনটা লক্ষ্য করছেন সে সেই কথা কইছেন তেমন বট আসিওর আজ আই এম স্ট্যান্ডিং হিওর টেলিং দ স্টোরি যেতবে এই কথাটি কুচি তো সেম গোজ ফর হোয়াট নেক্সট অ্যাকর্ড তারপরে কোণ হল দেখবা দ এইট অদর রনার্স পুলড অফ অন দেয়ার হিলস পুলড অফ অন দেয়ার হিলস মিনস স্টপড দেয়ার লেগস দ এইট অদর রনার্স নাইন লে টোটাল পার্টিসিপ্যান্ট অর আথলেটস তো জনে যেহেতু ফেল অফ হয়ে গেল বা পড়ে গলা আগে রইলে ইট দ এইট অদর্স পুলড অফ অন দেয়ার হিলস তাঁর পাদরে মানে পাদকু বিরাম দেলে অর স্টপ দেয়ার লেগস দ ওয়ান্স হু হ্যাড ট্রেন্ড ফর সো লং টু কম্পিট দ ওয়ান্স অর এভরি ওয়ান সমস্তে হু হ্যাড ট্রেন্ড যে ট্রেন্ড হয়ে বা তালিম নিয়ে অর ওয়ার্কড হার্ড বহুত কঠিন পরিশ্রম করে টু পার্টিসিপেট ইন সচ গেমস এই খেলার ভাগ নেওয়া ফর সো লং বহু সময় ধর এটা একটা বহুত বড় খেলার ভাগ নেওয়া গেলে দিনে দিনে হয়েযবনি বর্ষ বর্ষ তোমাকে এফর্ট দেওয়া পড়ব হার্ড ওয়ার্ক করা পড়ব টু কম্পিট টু টেক পার্ট ওয়ান বাই ওয়ান অল আরাউন্ড অল টর্ন আরাউন্ড অ্যান্ড ওয়েন্ট ব্যাক টু হেল্প ইউ ওয়ান বাই ওয়ান জনক পর জন সমস্তে গলে তাকে উঠাই অ্যান্ড ব্রড দ ইয়ং বয় টু হিজ ফিট তার মানে সমস্তে সেই ইয়ং বয়কু সেই সান পিলাটিকে ঠিয়া হওয়া সাহায্য কলে বুঝুছি পারা ফাইভ সিক্স তাহলে হি গেভ আউট পারা ফাইভ কুচি স্টাঞ্জা ফাইভ সরি ই গেভ আউট এ ক্রাই ইন ফ্রাস্ট্রেশন অ্যান্ড অ্যাঙ্গুইজ ফ্রাস্ট্রেশন আউ মেন্টাল পেন বা নিরাশ দুজন যাক সরি সে দে কান্দনা দে হিজ ড্রিমস অ্যান্ড হিজ এফর্টস অল ড্যাশড ইন দ্য ডার্ট তাঁর সব স্বপ্ন চেষ্টা ধূলিসাৎ হয়ে গেল বলে সে চিন্তা করছেন ভাবুন কে দ স্মলেস্ট আথলেট বট সেম বট আসিওর আজ আই এম স্ট্যান্ডিং হিওর টেলিং দি স্টোরি তো সেম কোচ ফর হোয়াট নেক্সট অ্যাকর্ড যা আমি ভাবুলি সে হল সেতবে তাঁর স্টোরি কুলি ঠিয়া হয়েকি সে সময় প্রেজেন্ট লি টাঞ্জা সিক্স দ এইট অদর রনার্স পুলড অফ দেয়ার পুলড অফ অন দেয়ার হিলস দ্যাট মিনস দ এইট রনার্স ওয়ার দ এইট অদর রনার্স স্টপড দেয়ার লেগস সেমানে পাতকে রোকিলে দ ওয়ান্স হু আর ট্রেন্ড ফর সো লং টু কম্পিট সমস্তে বা এভরি ওয়ান এভরিবডি হ্যাড ট্রেন্ড ফর সো লং দে স্পেন্ড টু ইয়ার্স টেক পার্ট পার্টিসিপেট করা ভাগ নেওয়া বহুত পরিশ্রম করে সেমানে সমস্তে ওয়ান বাই ওয়ান দে অল আরাউন্ড অ্যান্ড ওয়েন্ট ব্যাক টু হেল্প হিম সমস্তে জনক পর জনে সমস্ত পাখু গেল তাকে হেল্প করা অ্যান্ড ব্রট দ ইয়ং বয় টু হিজ ফিট এবং সেই ইয়ং বয়কু ঠিয়া করা সাহায্য কলে ঠিক আছে তার পাদরে ঠিয়া হোক বলে সেভেন দেন অল দ নাইন রনার্স জয়েন্ট হ্যান্ডস অ্যান্ড কন্টিনিউড অল দ নাইন রনার্স সমস্ত নজন যাক জয়েন্ট দেয়ার হ্যান্ডস হাত জয়েন্ট কলে বা জোড়িলে হাত জোড়ি নমস্কার করার কথা না হাত জোড়িলে পরস্পর খেলা বেলা কেমন ধরতে জাঁচ অ্যান্ড কন্টিনিউ টু রন অর কন্টিনিউ টু ওয়াক দ হন্ড্রেড ইয়ার্ড ড্যাশ নাও রিডিউস টু ওয়াক শহে ইয়ার্ডর ড্যাশ বা যেউ রন লা তা বর্তমানে চালিয়ে পরিণত হয়ে গেল রিডিউস টু ওয়াক রিডিউস মানে কমিগলা টু চালিকি দৌড়লে বেশি স্পিড হুয়ে চালে কম স্পিড হুয়ে আমি জানিছি অ্যান্ড এ ব্যানর এবভ দ্যাট সেট স্পেশাল অলিম্পিক এবং স্পেশাল অলিম্পিকের যে ব্যানর তাহা দর্শায় কুড নট হ্যাভ বিন মোর অন দ মার্ক এইভাবে মার্ক বা সিচুয়েশন ঠারু বা এইভাবে সফলতা ঠারু আর কিছু অধিক না বুঝুছি ভেরি সিম্পল স্ট্যান্ডার্ড সেভেন মনে রাখব এইট দ্যাট ইজ হাউ দ রেস এন্ডেড উইথ নাইন গোল্ড মেডালস তেমন নজন মেডাল নজন লে সমস্ত যেহেতু সহানুভূতি দেখলে সমস্ত প্রাইজ দিয়ে গোল্ড মেডাল
That is how the race ended with 9 gold medals. They came to the finish line holding hands still. Tankaro jehetu samaste hatha dhara dhari heiki holding hand hatha dhara dhari heiki asile shesha kale line finish the line and standing ovation ebong samaste kon kale na standing ovation ovation mane abhinandan gote sadhara abhinandan sahita tiya heiki samastanku abhinandan apradan janaile and 9 beaming beaming means dazzling or shining samastanku moire hasa thila 9 beaming faces said more than these words ever will. So, emiti kotha kahile jahaku bartaman prakash kari hobo nahi. Said more than these words ever will. Sei kotha guda ko khelwara manohab ku paripushta karuthila. Para 8 story stanza 8 amar bi complete. David Roth lekichanti. To ami bisya bujile tumi authora ku dekhi dei paribo. To notes and glossary pila mane very important tumar parikha re padi pare. Mu sab kahi ji guda ko tumi aku man rakhibo nischit bhabare bohiru. तुमको डिस्कशन करार किछ आवश्यकता नाही जेते बळे वीडियो तुमे देखाई सब गुडा कराई छी कुहाई छी तार वार्थ में मीनिंग तुमे जानि छ ओविशन एक्सप्रेशन ऑफ पॉपुलर एप्रिसिएशन फॉर देयर माजेस्टली मास्टरली परफॉर्मेंस किछ बहुत भलो काम करिया पई समस्त को सैल्यूट देबा अभिनंदन जणाइबा ठीक अछि वर्तमान मु तुमरो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करू छी तुमे मन दे सुनिबो जदि आसु छी मनु करे पई ट्राई करो करिसारो तापरे डिस्कशन टा सुनिबो तुमे कारण एकाथरे वीडियो देखि कि क्वेश्चन आंसर तुमे जदि कर दबो तारे बहुत भलो कथा आ जदि डायरेक्ट सुनबो किछ बेनिफिट पाइबो नाही तनु फर्स्ट ट्राई कर निजो मनोर करिया पई तापरे डिस्कशन रे भाग नबो ठीक अछि वीडियो को पॉज कर आंसर कर तापरे मु कहू जे त तुमे सुनिबो ठीक अछि तुमे त या करि सरिबोनी मु डिस्कशन कर नउ छी कह समस्त चेष्टा कर व्हाट इज दिस पोएम अबाउट दिस पोएम is about how 9 gold medals were given to the 9 athletes in a running race man rakta pila mane note kari paribo aro note madhyo asi jibo jeto bele question answer discussion hobo question answer ro kebol tanu wait kari tha future pai guarantee dei paru nahi jeto bahut gudi note prepare kare pai padu chi dasam pai specially to tomar note nabamaro hoye to na as pare kintu chesta karu chi mu tomar pai thik achi जदि आसीबो निश्चित भाव तुमको मु इंटीमेट करैबी जणैबी एई वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मध्ये देई पारे तनो विषय में बुझिनबा फर्स्ट तापर पछवता चिंता करबा तले व्हाट इज दिस पोएम अबाउट द पोएम इज अबाउट हाउ 9 गोल्ड मेडल्स वर गिवन टू 9 एथलीट्स इन ए रनिंग रेस हु केम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री आंसर अबाउट द एथलीट्स बाकी त तुम लिखियो मु ओनली आंसर डिस्कशन कर दउ छी ये तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाए पारे व्हाई डिड दे कम देयर दे केम देयर टू टेक पार्ट इन ए रनिंग रेस हु आर यूजुअली अवार्डेड द 3 मेडल्स गोल्ड सिल्वर एंड ब्रोंज द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एथलीट्स इन एन इवेंट आर यूजुअली अवार्डेड 3 मेडल्स गोल्ड सिल्वर एंड ब्रोंज रेस्पेक्टिवली फर्स्ट को दिया हुए गोल्ड सेकंड को दिया हुए सिल्वर थर्ड को दिया हुए ब्रोंज वेरी सिंपल व्हाट वाज द इवेंट For which they had come for a running event. Running event में आस्तीन में पढ़ी ले बोला अबे. Number 6. What had they done before they came down to these games? माने खेल भागने पूर्वरु कौन करती ले? ना they had completed many weeks and months of training before they come down to these games. Okay. They had completed many weeks and months of training before they came down to these games. What did the spectators do around the old field? The spectators gathered around the old field. Why did they gather around the old field? They gathered around the old field. Why? To cheer on the young women and men. What is this? To cheer on the young women and men. Why did their excitement grow high? Number 9. Why did their excitement grow high? Their excitement grew high as the final event of the day was coming nearer. As the final event of the day was drawing nearer. Number 10. What were all lined up for whom? What are all lined up? The blocks. The blocks were all lined up for the athletes. For whom? For the athletes. Very simple. What was the event?
द इवेंट वाज ए 100 यार्ड डैश हम पढ़िले नंबर 11 100 यार्ड डैश लिखा जाय छि सेकंड लाइन थर्ड स्टंजा बोली तापर नंबर 12 हाउ मेनी एथलीट्स वे आर देयर वेरी सिंपल देयर वे आर 9 एथलीट्स सिंपल ये जानो वेरी सिंपल नंबर 13 व्हिच वर्ड इन द थर्ड लाइन ना थर्ड स्टंजा सेज दैट द एथलीट्स आर टेकन फ्रॉम डिसीजन टू विन ए गोल्ड मेडल कोटा में जानु छे कोथरू को वर्ड रो जानु छे जे एथलीट टेकन ऑफ द फाउंडेशन दुनो निष्पत्ति नै छथि टू विन ए मेडल मेडल जितिया पई आंसर होची पोएस्ट सॉरी हमर आंसर होची रिजॉल्वड आर एस ओ एल वी द वर्ड नंबर 13 देखो द वर्ड रिजॉल्वड सेज दैट द एथलीट्स आर टेकन फ्रॉम डिसीजन टू विन ए मेडल ठीक अच्छे तो बहुत गुड़े क्वेश्चन आंसर अच्छी तुम्हें आपको चेस्टा कर मनोर करने जिते यार नोट आसीज मुझ डिस्क्रिप्शन रे लिंक देदेवी तेणु तक तुम डिस्कसन करनाब ठीक अच्छे से निजे पढ़ीदेव वीडियो बहुत लंबा हो तेणु समस्ते लास्ट पर्यटन देख ल बहुत इजी अच्छे निजे मनोर करने ट्राए कर नोट को वेट कर पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बक्स अवेलेबल हो वीडियो निश्चित वेट कर वेट कल निश्चित फल मिल वीडियो केमती लगे निश्चय मत कमेंट कर ये डिस्कशन को एंड करुचे जहाँ भी रहा आग काल देखा आग को आम थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गॉड ब्लेस यू ऑल कीप वाचिंग माय चैनल टेक केयर।